हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंजू और आपको स्वागत है मेरे किचन में। आज मैं बनाई लाल पत्ते की भाजी जो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रहता है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, लाल मटर की भाजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लाल मटर ले लिया है। इसको बहुत ही अच्छे से धो के साफ़ करके रख लिया है। और इसको बनाने के लिए एक बारीक कटा हुआ कांदा ले लिया है, दो से तीन हरी मिर्ची ले लिया है, थोड़ी सी सूखा खोबरा ले लिया है, लहसुन और अदरक, और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी राई का दाना और हींग लिया है। तो चलिए रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कढ़ाई में एक चम्मच तेल गरम कर लिया है। अभी तेल के गरम होने के बाद मैंने यहाँ पर सरसों और हींग था वो डाल दिया। अभी ये लहसुन और अदरक का टुकड़ा डाल दिया। इन सभी को अच्छे से भून लेंगे। अभी मैं यहाँ पर डाल दूंगी दो से तीन कटा हुआ हरी मिर्ची, तीखा आप अपने हिसाब से डालिए। अभी मैं डाल दूंगी यहाँ पर एक बारीक कटा हुआ प्याज। बस प्याज डालने के बाद अच्छे से इसको भून के लेना है। तो मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। तो देखिए, मैंने प्याज को 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अभी यहाँ पर सूखा खोबरा था उसको डाल दूँगी। खोबरा डालने के बाद इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, बस चम्मच से एक बार मिक्स करना है। फिर इसके ऊपर हम लोग डाल देंगे लाल वाला पत्ता। लाल मिर्च हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी रहता है। जिसकी बॉडी में खून का कमी है उनके लिए तो रोज ही खाना चाहिए। और आज मैंने बहुत ही सिंपल वेज में दिखाया है कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से ये भाजी को बना के खा सकते हो। तो देखिए, मैंने सारा पत्ता इसमें डाल दिया है। आप चाहे तो इसे भी छोटे छोटे कटिंग करके डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसको ढक्कन लगा के कम गैस पे 2 मिनट के लिए रख लेंगे। तो देखिए, 2 मिनट के बाद भाजी जो है बहुत ही अच्छे से गल गया है। इसको एक बार मिक्स कर दे। अभी मैं इसमें डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। मैंने यहाँ पर आधी छोटी चम्मच नमक ऐड किया। नमक डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ढक्कन लगा के फिर से 2 मिनट के लिए रख लेंगे, ताकि ये नीचे का जो पानी है ना, जो भाजी में से निकला है, वो पूरा सूख जाए और भाजी बिल्कुल बनके तैयार हो जाए। तो देखिए, 2 मिनट हो गया है। मैं इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। बस हमारा सब्जी बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी सब्जी है, आप ज़रूर इसको एक बार ट्राई करें। तो चलिए प्लेटिंग करते। इसको आप राइस के साथ, रोटी के साथ आराम से खा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। अभी के लिए थैंक।